बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जन्नत, वेलकम करती हूँ आज की एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नाते जो होती है वो किस तरह से नॉन कॉपीराइट YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और की पड़ी हुई नात आप YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। लेकिन आज की अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो सारी जिंदगी आप जो होते हैं वो पैसे आपके ख़त्म ही नहीं होंगे, चाहे शॉपिंग करते रहे, चाहे अपने जो होते हैं वो डेली एक्सपेंसेस फुलफिल करते रहे, इंशाल्लाह ताला सवाब के साथ साथ जो होती है वो आपकी अर्निंग भी होगी। मैं और मेरे आने वाले जो होते हैं इस तरह का फेसलेस चैनल बना के जिसके ऊपर नाते अपलोड करके, और इसके अलावा उन्होंने एक चैनल बनाया है नगमों का, उसके ऊपर वो चीज़ें अपलोड करके माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से करें, अल्लाह ताला आपकी भी अर्निंग आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने नात कहाँ से लेनी है, आपने साउंड कहाँ से लेना नात का, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपने नॉन कॉपीराइट लेना है और यूट्यूब से भी बिल्कुल नहीं लेना, यानी यूट्यूब की गैलरी से नहीं लेना, कोई और आपको बताऊंगी जो के नात की साउंड लगे भी। इसके अलावा आपने उसके ऊपर मदीना पाक के खाना काबा के इमेजेस आपने किस तरह से अपलोड करनी है, और ये कंटेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप उसके ऊपर अपलोड करते जाएंगे सवाब के साथ आपको अर्निंग भी होती जाएगी। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, ताकि इसी तरह से हम मिलते रहे और ऑनलाइन से रेलिवेंट आप लोगों को रियल ओरिजिनल वर्क जो होता है वो आप लोगों को मिलता रहे। कि मैं अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसको रिसर्च करने के बाद फिर अपलोड करती हूँ, व्यूज़ के चक्रों में मैं कभी भी जो होती है वो गलत वीडियो जो होती है वो रिकमेंड नहीं करती, नहीं बनाती, पहले उसको रिसर्च करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ओरिजिनल कॉन्टेंट मिले। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है कि आप असाइनमेंट राइटिंग करके किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। AI से नॉन कॉपीराइट नाते बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, यहाँ पे आपने ओपन करना है ChatGPT को। ChatGPT को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने राइट करना है राइट नात इन उर्दू, और आपने इसको गो के बटन पे प्रेस कर देना, चंद ही सेकेंड्स लेगा आपको नात एक उर्दू के अंदर राइट करके दे देगा। आप जब भी ChatGPT को कहेंगे तो ये एक नई नात आपके लिए जनरेट करेगा जो कि नॉन कॉपीराइट होगी। आपको YouTube पे जब भी आप अपलोड करेंगे आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे आके लिखा राइट अ नात इन उर्दू, तो जैसे ही मैंने लिखा चंद ही सेकंड्स लगे नात लिखी गई। यहाँ पर आपके पास एक बटन है, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी, ये देखे कॉपी हो गया। अगेन आपने एक विंडो ओपन करनी है गूगल क्रोम की, यहाँ पे आपने आके टाइप करना है सुनो AI, पहले ही वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपने इसको कर देना है क्लिक। इस तरह से ये वेबसाइट हो जाएगी आपके पास ओपन। यहाँ पे आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट की, क्रिएट के बटन पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे चंद सेकंड लेगी, अगेन ये आपके पास हो जाएगी ओपन। यहाँ पे आपने जो ChatGPT से अपनी नात लिखवाई है यहाँ पे आपने कर देनी है पेस्ट। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दो नाते ऑलरेडी मैंने यहाँ से बनाई हुई हैं। सर लोग बताते हुए और करते हुए भी गलती करते हैं, वो ये है कि कस्टम पर आपने लाजमी जो होती है वो क्लिक करनी है, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी नात बिल्कुल भी नहीं बने। रिक्स के ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है, आपके पास ऑप्शन आएगी पेस्ट की, यहाँ पर आपने कर देना पेस्ट। अगली बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस चीज़ को नोटिस ना किया तो आपकी नात की बजाय जो होता है वो सॉन्ग बन जाएगा। हाँ, आपने स्टाइल ऑफ म्यूजिक के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, इसलिए वो आप गौर से देख ले वीडियो को कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। म्यूजिक स्टाइल पे आपने यहाँ पे आके लिखना है, स्क्रीन मैंने इसीलिए बड़ी कर दी आप अच्छे से देख लें। इस्लामिक नशीद आपने लिखना है, इस्लामिक म्यूजिक, इस्लामिक हलाल म्यूजिक आपने लिखना है, और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है क्रिएट के बटन पर। चंद ही सेकंड्स लेगा आपकी नात जो होती है वो बिल्कुल बनके रेडी हो जाए। ये दो नाते मैंने पहले बनाई थी, लेकिन अब ये जो दो नीचे आ रही हैं ये मैंने नाते अब बनाई हैं। जब तक ये टाइम नहीं शो होगा कि ये कितने मिनट्स की बनी है, अभी तक ये वीडियोस नहीं बनके रेडी हूँ। जब यहाँ पे टाइम शो होगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाते जो होती है वो बन के रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही औसम जो होती वो नात बन के मेरे पास रेडी होगी। एक बनी है 3 मिनट 20 सेकेंड की और एक बनी है 2 मिनट 39
50 सेकंड की, जो कि आपका यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम भी बहुत इजीली कंप्लीट कर लेगी और कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा। अब मैंने इसके ऊपर किया है क्लिक, इसको प्ले करके देखेंगे नाथ हमारे पास कैसी बनी है। अब आपने 3 डॉट्स के ऊपर इसको करना है क्लिक। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आपके पास आ रही होंगी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड्स के बटन पर, या तो आप ऑडियो में इसको अपने पास सेव कर सकते हैं या वीडियो की सूरत में। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ऑडियो पे और इसको मैंने कर लिया है अपने पास डाउनलोड। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल लास्ट पे देख सकते हैं कि MP3 में ये मेरे पास हो गई है डाउनलोड। अब इसको ओपन करते हैं, आई हूँ गैलरी में और ये देखे कि ये MP3 में मेरे पास हो चुकी हुई है सेव। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब आपने इसकी एडिटिंग किस तरह से करनी और इसको यूट्यूब के ऊपर जो होता है वो अपलोड आपने किस तरह से करना। आपने अगेन आना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आपने अपने पास राइट करना है मस्ते नबी नॉन कॉपी राइट, आपने वीडियोस को ले लेना है या अगर आप इमेजेस को चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो पहले जो आपके पास ऑप्शन आएगी यहाँ पे वो आपके पास पिज्ज़ा बे, जो कि एक नॉन कॉपीराइट वेबसाइट है। इसके अलावा अनसप्लैश है और बहुत सारी जो होती है वो इस तरह की वेबसाइट जहाँ से आपको नॉन कॉपीराइट वीडियोस मिल जाएंगी और नॉन कॉपीराइट जो होती है वो आपको इमेजेस मिल जाएंगे, आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करेंगे और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आपने क्या करना है, जो इमेज आपको पसंद है उसके ऊपर आपने इस तरह से करनी है क्लिक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी डाउनलोड की, डाउनलोड की ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपने करना है क्लिक। यहाँ के साइज में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से कर ले सेलेक्ट, तो उसके बाद आपने क्लिक कर दिए नहीं है डाउनलोड पे, ये होने लग जाएगी आपके पास डाउनलोड। आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही इमेज को मैंने डाउनलोड किया है ताकि जो होती वीडियो शॉर्ट बने, बाकी आप एक से ज़्यादा इमेजेस भी यहाँ पे ले सकते। अब आपने कोई भी जो होता है वो एडिटिंग ऐप अपने पास ओपन करना है, जैसा कि मैं काइन मास्टर को यूज़ करती हूँ तो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि काइन मास्टर क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने साइज सेलेक्ट करना है यूट्यूब का 16:9 और क्रिएट के बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ से आपने डाउनलोड्स की ऑप्शन में जाना है जहाँ पर आपकी जो होती है ये वीडियो जो मैंने अभी डाउनलोड की वो पड़ी हुई अपनी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलेक्ट करने के लिए आपने आर्टिस्ट को करना है चूज़ और यहाँ पे आपने सर्च करनी है अपनी नात। 2:14 की मैंने बनाई है, यहाँ पे मैंने प्लस के साइन के ऊपर इसको कर देना है क्लिक। जो होती है ये मेरे पास यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर हो गई है ऐड। अब आपने क्या करना है कि एक से ज़्यादा इमेजेस यहाँ पर आपने लगा के तो इस तरह से आपने इसकी एडिटिंग कर लेनी है। इसकी लेंथ जो होती है वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जहाँ तक कि आपकी वीडियो बनी है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँ एक से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर जो होती है वो ऑडियो लगाएं। अगर अब आपकी ज़्यादा ही होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक कैंची का निशान होगा यहाँ पे क्लिक करके ये ऊपर वाले पे यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको राइट से कर देना सेपरेट। तो ये आपके पास हो गई है तैयार। अब चूंकि ये साइड से ब्लैक जो होते हैं वो एरियाज नज़र आ रहे तो आपने पैनल जूम के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा जो होता है वो बढ़ा देना और इक्वल के साइन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी यहाँ पर एक्सपोर्ट की, तो इसके ऊपर आपने करना है अपने पास यहाँ पे क्लिक। तो मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे कर दिया है क्लिक। अब ये क्या करेगी, सेव एज वीडियो। तो ये आपकी वीडियो जो होती है ये बनके बिल्कुल तैयार हो गई हुई है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी गैलरी में जाती है तो आप इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल बेफिक्र होकर डाल दें और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा और इंशाल्लाह ताला आपको मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। इसी तरह से आप अपनी बहुत सारी वीडियोज़ बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल सकते हैं जैसे जैसे आपकी वीडियोज़ चलेगी और इंशाल्लाह ताला आपको डॉलर्स में इसी तरह से अर्निंग होगी। आई होप मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक